ऑल टू टू एवरीवन, एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो कि है हमारा आसाम बजट का एनालिसिस ठीक है ये आसाम बजट का एनालिसिस अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे एंड अगर आपको फिर भी समझ में ना आए देन एटलीस्ट यू कैन लुक एट द वीडियो एटलीस्ट टू टू थ्री टाइम्स तो आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगा बट आई गारंटी यू कि अगर आप इस क्लास को अच्छे से करते हैं देन आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इन द क्वेश्चन रिलेटेड टू आसाम बजट ठीक है हम पूरा अच्छे से एनालिसिस करेंगे हमारे बजट का सो लेट्स स्टार्ट नाउ तो सबसे पहला जो हमारा चीज़ है असम बजट जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बजट क्या होता है ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बजट होता है हम सभी अपने अपने घर में हम जब भी हमारा मंथली इनकम आता है ठीक है हम एक क्या करते हैं कि बजट बनाते हैं कि घर पे कैसा फुल मंथ का कितना खर्चा होने वाला है कितना हम सेविंग्स करने वाले हैं उन सब चीज़ों को हम एक साथ जब हमारा एक इकट्ठा जब हमारा इनकम आता है तब उसको हम देखते हैं ठीक है थीके? तो बजट का मतलब क्या होगा कि हम एक्सपेंस एकस्पे, कितना होगा हमारे टोटल इनकम में से ये हम सबसे पहले देखते हैं ठीक है सो बजट इज अ स्पेंडिंग प्लान कितना खर्चा हम करने वाले हैं हमारे पास जितना इनकम आया है उसमें से हम कितना एक्सपेंस कितना खर्चा करने वाले हैं सबसे पहला चीज़ तो इकोनॉमिक्स में बजट का क्या मतलब है मतलब हमारे ओवरऑल जो हमारा स्टेट है ओवरऑल हमारा कंट्री है वहाँ पर बजट का क्या मतलब होता है ठीक है तो सबसे पहले बजट इज एन एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट ये एक स्टेटमेंट होता है जो कि एनुअल होता है एनुअल का मतलब क्या होता है एक साल फॉर वन फिनेंशियल ईयर ठीक है एक फिनेंशियल ईयर में स्टडी किया जाता है हमारे बजट को ओके वन फिनेंशियल ईयर ये एक स्टेटमेंट होता है जहाँ पर क्या लिखा हुआ होता है हम बहुत ही स्लो जाने वाले हैं आज ठीक है ताकि आप लोगों को आसाम बजट आज के क्लास के बाद आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो रिलेटेड टू बजट ओके ठीक है तो हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है बजट में वहाँ पर क्या होता है सबसे पहले एस्टिमेटेड रेवेन्यू इसका मतलब गवर्नमेंट अपने जो कमाई गवर्नमेंट का जो इनकम होता है उसको रेवेन्यू बोला जाता है ठीक है रेवेन्यू का मतलब जो गवर्नमेंट का इनकम होता है उसको बोला जाता है तो एस्टिमेटेड रेवेन्यू इसका मतलब हमारे गवर्नमेंट फुल एंड फाइनल श्योरिटी से बोल नहीं सकते कि उनको कितना इनकम होने वाला है तो इस वजह से यहाँ पर एस्टिमेटेड लिखा हुआ रहता है ओके एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्चा करने वाले हैं यहाँ पर भी वो लोग नहीं बोल सकते हैं कि कितना एग्जैक्टली exactly खर्चा करने वाले हैं ओके okay? तो उस हिसाब से यहाँ पर भी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है फॉर द नेक्स्ट फिनेशियल ईयर तो हम जो आज स्टडी करने वाले हैं वो होगा 2024 टू ईयर ओके तो इन इकोनॉमिक्स बजट का मतलब होता है एक एनुअल फिनेशियल स्टेटमेंट जहां पर एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए लिखा रहता है ओके okay? ओके okay. नाउ वी हैव अ पॉलिटिक पॉलिटिकल एस्पेक्ट एज वेल हियर इसका मतलब हमारे आर्टिकल टू हंड्रेड एंड टू में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल टू हंड्रेड एंड टू में ये लिखा हुआ है कि हमारे गवर्नर जो है वो परमिशन देते हैं फॉर द स्टेट बजट टू बी प्रेजेंटेड स्टेट लेगिस्लेचर में प्रेजेंट करने के लिए हमारे गवर्नर परमिशन देते हैं ठीक है कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है ये आर्टिकल टू हंड्रेड एंड टू ओके बजट को किसने प्रेजेंट किया था हमारे आसाम के फाइनेंस मिनिस्टर ने अजंता नियोग okay? पर एट द आसाम असेंबली कब ट्वेल्थ फेब्रवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे ठीक है? इस रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कब प्रेजेंट किया गया था 12 फरवरी को ओके? Okay? कब, सॉरी, uh, किसने प्रेजेंट किया था हमारे आसाम के जो फाइनेंस मिनिस्टर है अजंता नेओ, उन्होंने किया था कहाँ पर एट द आसाम असम्बली okay? ओके था वाज टू बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ एन आत्मनिर्भर आसाम हम आत्मनिर्भर भारत के बारे में तो जानते ही है कि आत्मनिर्भर का मतलब सेल्फ सफिशियंट ओके तो उस हिसाब से भारत के साथ साथ इन अलाइन टू भारत आत्मनिर्भर आसाम भी बनाने का इस बार फाउंडेशन ले किया गया है ओके विद गोल ऑफ बिकमिंग वन ऑफ द टॉप फाइव स्टेट इन द कंट्री इंडिया के टॉप फाइव स्टेट्स बनने के गोल में ये एक फाउंडेशन ले किया गया है फॉर आत्मनिर्भर असम ओके नेक्स्ट वी हैव हमारा जो बजट है वो किस चीज़ पर सबसे ज्यादा फोकस करता है ऑन क्रिएशन ऑफ जॉब्स हम जानते हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंत विश्व शर्मा ने प्रॉमिस किया था फॉर वन लैक जॉब्स तो हमारे बजट जो है सबसे पहले फोकस करता है ऑन क्रिएशन ऑफ जॉब्स क्वेस्ट फॉर कल्चरल आइडेंटिटी ओके अब हमारे जितना भी कल्चर है उन सबको प्रिजर्व करना उन सबको और भी ज़्यादा डेवलप करना एंड स्ट्राइव्स फॉर ग्रीन ग्रोथ जैसे कि हम अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे कि वहाँ पर कैसे वो लोग सोलर सोलर रूफ टॉप के लिए अपील करते हैं एंड ऑल दैट ये भी ग्रीन ग्रोथ का एक हिस्सा है तो हमारे बजट में

क्रिएशन ऑफ जॉब्स पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है नेक्स्ट बिग पुश फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर किस चीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का बात हो रहा है यहाँ पे एजुकेशन टूरिज्म हेल्थ एंड कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी से हम जानते हैं कि बहुत सारे रोड्स ब्रिजेस डेवलप किए जाएंगे ऑल दिस थिंग्स आर द मेजर डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर ओके नेक्स्ट वी हैव पॉस्टरिंग ए ग्रीन इकोनॉमी नेक्स्ट प्रोमोटिंग इन्वेस्टमेंट दैन कल्चरल रिनाइंस एंड देन महिला सवालीकरण ओके इससे रिलेटेड जो भी थिंग्स है हम आगे हमारे सिंगल स्लाइड्स में भी देखने वाले हैं बट फॉर नाउ हमने सिक्स थीम्स के बारे में पढ़ा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि अमोंग द फॉलोइंग विच अमोंग द फॉलोइंग आर द थीम्स ऑफ आसाम बजट ओके तो हमें थीम्स जानना चाहिए हमारे बजट से रिलेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल सस्टेन्ड ग्रोथ एंड क्रिएशन ऑफ जॉब्स एंड देन बिग पुश फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर किस से रिलेटेड एजुकेशन टूरिज्म हेल्थ कनेक्टिविटी देन पॉस्टरिंग अ ग्रीन इकोनॉमी प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट कल्चरल रीनाइसेंस एंड महिला सवालीकरण महिला सवालीकरण का मतलब इक्वालिटी फॉर वुमेन Uh, पूरा इक्वालिटी देना चाहिए उनको और भी ज्यादा एजुकेशन uh, देना चाहिए इससे रिलेटेड भी हमारे बजट में इस बार मेंशन है, है? ठीक well. हमारे पास है ये है कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स जिस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा ओके कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स जो कि है फर्स्ट ऑफ ऑल चीफ मिनिस्टर्स आत्मनिर्भर आसाम अभियान ठीक है आत्मनिर्भर आसाम बनाना चाहते हैं सेल्फ सफिशियंट आसाम बनाना चाहते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर तो उससे रिलेटेड एक अभियान है नेक्स्ट वन लैख प्लस फॉर अमृतकाल इसका मतलब पूरा डेवलपमेंट करना चाहते हैं एक डेवलप्ड स्टेट बनाना चाहते हैं एंड टॉप फाइव स्टेट बनाना चाहते हैं होल ऑफ इंडिया नेक्स्ट वी हैव क्रिएटिंग ग्रोथ कॉरिडोर्स ओके मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण इसका मतलब जो भी हाउस होल्ड है उनको घर देना ताकि दे कैन हैव अ हाउसिंग फैसिलिटी ओके तो ये भी मुख्यमंत्री आवास योजना जो कि ग्रामीण में देखने वाली दीज आर द फ्लैगशिप स्कीम्स ओके नेक्स्ट वी हैव ये है हमारा असम बजट ओके okay? बजट फॉर ग्रोथ बजट फॉर द पीपल इसको हम पहले स्टडी कर लेते हैं यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं इसको अच्छे से देखिए टोटल रिसीट्स इन द कॉन्सोलीटेड फंड्स ओके टोटल रिसीट इन द कॉन्सोलीटेड फंड यहाँ पर जो भी अमाउंट है ये हो गया हमारा रिसीट रिसीट का मतलब होता है कि हमारे गवर्नमेंट को कितना मिलने वाला है ठीक है द जो हमारे गवर्नमेंट को मिलने वाला है वो होता है रिसीट ओके नेक्स्ट साइड में जो है हमारे वो है टोटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड इसका मतलब हमारे गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ खर्चा करना पड़ेगा ओके okay? ये सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि रिसीट जो होता है तो हम रिसिप्ट नहीं बोलेंगे ओके okay? लास्ट में पी जो है वो साइलेंट होगा रिसीट जो होता है वो होता है हमारे गवर्नमेंट का इनकम ठीक है एक्सपेंडिचर का मतलब तो हम जानते ही एक्सपेंडिचर का मतलब होगा हमारे गवर्नमेंट को कितना खर्चा होने वाला है एक्सपेंस खर्चा हमारे गवर्नमेंट कितना खर्चा करेंगे वो होगा एक्सपेंस ठीक है तो टोटल रिसीट इन द कॉन्सोलिडेटेड फंड कॉन्सोलिडेटेड का मतलब जो होगा वो है इनकम हमारे गवर्नमेंट को जो भी जनरेट होगा किसी भी तरीके से जैसे कि डायरेक्ट टैक्स हो गया इनडायरेक्ट टैक्स हो गया टूरिज्म हो गया इन सब से ओवरऑल जितना हमारे गवर्नमेंट को मिलने वाला है वो सभी कॉन्सोलिडेटेड फ़ंड में इंक्लूड होता है ठीक है कॉन्सोलीडेटेड फंड क्लियर है कॉन्सोलीडेटेड फंड का मतलब होता है इनकम जेनरेट होगा किसी भी तरीके से डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स टूरिज्म ओके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप करने वाले हैं उससे भी उनको फ़ायदा होने वाला है सब भी कुछ मिला के कॉन्सोलिडेटेड फ़ंड में इंक्लूड होता है ठीक है ये क्लियर है सबसे पहले ये मुझे बताइए आप लोग कॉन्सोलीटेड फंड का मतलब क्लियर है ओके okay. तो टोटल रिसीट्स इन द कंसोलिडेटेड फंड ओके मतलब ये उनका कंसोलिडेटेड फंड का टोटल रिसीट हो गया इस पे से वो लोग जो खर्चा करने वाले हैं, वो हो जाएगा हमारा टीई, इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो देखिए वन फोर थ्री सिक्स जीरो फाइव एंड यहाँ पर जो उनका अमाउंट है जो खर्चा करने वाले हैं वो ज़्यादा है एट नाइन्टी ओके उजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फाइव पॉइंट फाइव करोड़ ये उनका इनकम मतलब रेवेन्यू होने वाला है एंड वो जो खर्चा करने वाले हैं दैट इज वन लैख फोर्टी थ्री थाउजेंड एट नाइन्टी ओके दिस इज द अमाउंट वो खर्चा करने वाले हैं जो कि ज्यादा है इसका मतलब हो जाएगा कि देयर इज अ डेफिसिट ठीक है जब टोटल रिसीट कम हो जाता है देन द टोटल एक्सपेंडिचर तभी उसको डेफिसिट बोला जाता है डेफिसिट ठीक है इससे रिलेटेड हम और भी देखेंगे इसके पहले इसको देखिए देन कम्स रेवेन्यू रिसीट ठीक है रेवेन्यू रिसीट का अमाउंट देखिए एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि कैपिटल कैपिटल का मतलब देखिए जब वो लोग खर्चा करते हैं कुछ बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ लैंड बिल्डिंग मशीनरी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में जब हमारे गवर्नमेंट खर्चा करते हैं उसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर ठीक है कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब जब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में हमारे गवर्नमेंट ओके okay, खर्चा करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है एंड देन रेवेन्यू रिसीट का मतलब क्या होता है कि एक साल में हमारे गवर्नमेंट के हाथ में कितना इनकम आएगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स हो गया जी हो गया तो so, ये हो गया हमारा रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया कि ये वो लोग कितना बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरीज कितना डेवलप कर रहे हैं फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स ओके नेक्स्ट वी हैव एग्रीगेट रिसीट्स एंड एग्रीगेट इन एक्सपेंडिचर इसका मतलब दोनों को मिला के एग्रीगेट रिसीट ये हो गया एंड इन दोनों को मिला के एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ये हो गया ठीक है ओके okay. नाउ सबसे पहले आपको ये फिगर्स याद रखने की जरूरत नहीं है ठीक है अगर आप इसको सोच रहे हैं कि सॉरी द अमाउंट्स आर इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर तो वो जरूरी नहीं है ओके okay? बट इतना हमें जानना चाहिए कि देयर इज डेफिसिट

टू ट्वेंटी फाइव स्नैपशॉट इसका मतलब रूपी कम्स फ्रॉम हम जो हमने जो अभी देखा कि टोटल रिसीट, हमने अभी देखा ना कि टोटल मतलब गवर्नमेंट का इनकम होने वाला है तो रूपी आ कहाँ से रहा है कौन कौन से सेक्टर से रूपी आ रहा है सबसे पहले जो हम यहाँ पर अमाउंट्स देख सकते हैं टोटल ओके अभी देखिए यहाँ पर वन लैख फोर्टी थ्री थाउजेंड सिक्स जीरो सिक्स अभी हमने यहाँ पर अमाउंट देखा था वन लैख फोर्टी थ्री थाउजेंड सिक्स जीरो हो गया हमारा टोटल यहाँ से सबसे पहले ज्यादा रुपयी हमारे लिए कहाँ से आ रहा है वो है शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस ये देखिए शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस ठीक है पिक्चर क्लियर है सबके लिए पिक्चर क्लियर गवर्नमेंट में जितने भी सेंट्रल टैक्सेस आते हैं वहां से डिवोल्यूशन होता है डिवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ एक हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट में भी बांटते रहते हैं ठीक है थीके? वो बांटेंगे तो उस हिसाब से सेंट्रल टैक्सेस के जो भी शेयर्स है वहाँ से हमें सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं ओके नेक्स्ट जो हम देख सकते हैं वो है हमारा स्टेट का टैक्स रेवेन्यू जो कि स्टेट्स ओन रेवेन्यू होता है ठीक है वो अपना अर्निंग्स होता है जीएसटी के माध्यम से वो लोग अर्न लो करते हैं ऑल दिस थिंग्स तो ये हो गया हमारा सेकंड ओके यहाँ पर देखिए वन टू थ्री फोर इस हिसाब से लेकिन हमारा अमाउंट नहीं है ओके, तो सेकंड हो गया हमारा स्टेट का टैक्स रेवेन्यू एंड द थर्ड वन इज पब्लिक डेट ओके पब्लिक डेट पब्लिक डेट का मतलब ये होता है कि हमारे uh, जो गवर्नमेंट होता है वो लोग किसी और ऑर्गेनाइजेशन uh, से पैसा लेते हैं ठीक है दे बोरो दैट मनी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट तो उससे भी पैसे आते हैं विच इज द थर्ड वन तो हम अभी यहाँ पर लिख सकते हैं कि दर्स्ट दुपी कम्स फ्रॉम फर्स्ट ऑफ ऑल केयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस ओके सेकेंड वी है स्टेट टैक्स रेवेन्यू एंड द थर्ड वन वी हैव पब्लिक डे ओके ये पेज समझ में आ गया कि रूपी कहाँ से आता है और भी बहुत सारे सेक्शंस है जहां से हमारे लिए रूपी आता है मतलब पैसे आते हैं वो हमें ज्यादा याद रखने का जरूरत नहीं है फर्स्ट तो थ्री आप याद रखिए पहला तीन को याद रखिए इम्पॉर्टेंट ओके और भी और भी है जो कि हम एक बार स्टडी कर लेंगे सबसे पहले हमारे पास है शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस सेकेंड ऑफ ऑल वी हैव स्टेट टैक्स रेवेन्यू थर्ड वी हैव पब्लिक डेथ फोर्थ वी हैव सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड uh, कुछ स्कीम्स होते हैं उसमें से भी हमारे लिए पैसे आते हैं नॉट हमारे लिए हमारे गवर्नमेंट के लिए ठीक है उसके बाद आएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू ठीक है देन वी हैव फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स फाइनेंस कमीशन्स भी कुछ ग्रांट्स देते हैं ठीक है ठीके? जो लौटाना नहीं पड़ता है ग्रांट का मतलब एंड लोन का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है ग्रांट का मतलब होता है कि लौटाना नहीं पड़ता है लेकिन लोन का मतलब होता है कि हमें लौटाना पड़ेगा ठीक है तो इन इसमें से भी हमारे लिए रुपीस आते हैं देन वी हैव रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस ठीक है जो लोन देते हैं उस पे से जो रिकवरी होता है उसमें से भी पैसे आते हैं ओके नेक्स्ट वी हैव अदर ट्रांसफर्स और ग्रांट्स टू स्टेट्स विथ लेजिस्लेचर वहाँ से भी पैसे आते हैं तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है सबसे पहला शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस सेकंड स्टेट टैक्स रेवेन्यू एंड थर्ड हो गया पब्लिक डेट ठीक है इज दिस पेज क्लियर सभी लोगों से आंसर चाहिए मुझे तभी आ, मुझे समझ आएगा कि सबको समझ में आ गया है ओके वेरी गुड देखिए बजट अगर हमें अच्छे से समझ में आ जाए तो इजी हो जाएगा ठीक है बाकी बजट इज अ डिफिकल्ट थिंग ये एक दो पेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम पढ़ेंगे और समझ आ जाएगा ओके तो इसको अगर अच्छे से समझा जाए तो आप लोगों को बहुत दिन के लिए याद हो जाएगा एंड वन मोर थिंग अगर हम एक साल का बजट समझ लेना नेक्स्ट ईयर अगर आप खुद से भी बजट पढ़ोगे तो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि लास्ट uh, ईयर हमने ऐसा कुछ पढ़ा था देन इस साल कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं और वो ये सब चेंजेस ओके okay? इसलिए हमें अच्छे से समझना जरूरी है हमारे बजट को तभी हम अपने स्टेट को अच्छे से समझ पाएंगे हमारे कंट्री को अच्छे से समझ पाएंगे ठीक है तो रुपी कम्स फ्रॉम अगर हम देखें देन दिस इज द टोटल रिसीट ओके दिस इज द टोटल रिसीट दिस इज द इनकम ऑफ आवर गवर्नमेंट. नेक्स्ट अभी अगर इनकम हो गया है तो हमने देखा था हमारे बजट में कि एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर तो इसका मतलब हमें यह भी देखना जरूरी है कि इनकम हो गया अभी खर्चा कहाँ पर किया गया है ठीक है तो खर्चा कहाँ पर किया गया है वो भी हम देखेंगे सबसे पहले खर्चा कहाँ पर किया गया है देखिए रुपी तो गोज टू सबसे पहला सोशल सर्विसेज सोशल सर्विसेज जैसे कि एडुकेशन हो गया ओके मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ एडुकेशन हो गया देन हेल्थ हो गया ठीक है इन सब चीज़ों पे खर्चा किया गया है ओके तो दिस इज़ द अमाउंट अमाउंट याद रखना जरूरी नहीं है लेकिन सबसे पहला कहाँ पर खर्चा किया गया है वो इम्पोर्टेंट ठीक है नेक्स्ट वी हैव जनरल सर्विसेज। जनरल सर्विसेज का मतलब होता है कि वर्किंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन दैन पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट इन सब पर भी uh, इन सब पर खर्चा किया गया है तो वो होगा हमारे लिए जनरल सर्विसेस ठीक है सेकेंडली कहा पर खर्चा ज्यादा किया गया है इन द जनरल सर्विसेज पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट देन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया ओके तो दिस इज द फर्स्ट दिस इज द फर्स्ट वन दिस इज द सेकेंड वन एंड थर्ड जहां पर ज्यादा खर्चा किया गया है वो है इकोनॉमिक सर्विसेज इकोनॉमिक सर्विसेज का मतलब होगा एग्रीकल्चर पे खर्चा किया गया है और कैसे खर्चा किया गया है वो भी हम देखेंगे ठीक है कहाँ पर क्या एंड ज्यादा क्यों खर्चा किया गया है वो सब हम देखने वाले हैं तो यहाँ पर एग्रीकल्चर पे खर्चा किया गया है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स पे खर्चा किया गया है इंश्योरेंस दैन बैंकिंग इन सब सेक्टर्स पर खर्चा किया गया है ठीक okay? है सबसे पहला सोशल सर्विसेज, सेकंड जनरल सर्विसेज एंड थर्ड इकोनॉमिक सर्विसेज। ठीक है ये पेज समझ में आ गया दिस इज द टोटल एक्सपेंडिचर हमारे गवर्नमेंट ने सॉरी हमारे गवर्नमेंट कहाँ पर खर्चा करने वाला है इन द फिनेंशियल ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी फाइव कितना खर्चा करने वाले हैं फ्रॉम देअर कॉन्सोलीटेड फंड ठीक है fund, ये पेज समझ में आ गया नेक्स्ट हम चलते हैं इस पेज पे ये थोड़ा सा टफ लग रहा है लेकिन ये ग्राफ हमें याद रखने रखना जरूरी नहीं है जस्ट द फिगर्स ठीक है फिगर को स्टडी करके हम देख सकते हैं कि कहाँ पर प्रोग्रेस हुआ है ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द ग्रांट्स फ्रॉम स्टेट सेंटर हमने देखा है कि हमारे सेंटर में से शेयर आते हैं ठीक है तो दिस इज द ग्रांट्स फ्रॉम सेंटर तो सेंटर का जो ग्रांट्स है वहाँ पर देखिए दिस इज इन द इंक्रीजिंग फेज ओके दिस इज इन द इंक्रीजिंग फेज और यहाँ पर हमारे लिए जो अमाउंट है वो है इंक्रीज ठीक है ये इंक्रीज हुआ है 2022 टू 23 में इंक्रीज हुआ है विच इज अ गुड थिंग ये हमारे लिए ग्रांट्स आया है फ्रॉम सेंटर ठीक है ये हो गया ग्रांट्स फ्रॉम सेंटर नेक्स्ट है रेवेन्यू रिसीट रेवेन्यू रिसीट का मतलब है कि हमारे हाथ में कितना इनकम आया है तो वो भी हम देखें तो यहाँ पर दिस इज इन द इंक्रीजिंग फेस ठीक है ग्राफ से हम समझ सकते हैं कि ये इंक्रीज हुआ है इन 2022 थाउजेंड टू टू ट्वेंटी रेस्पेक्टिव टू 21 टू 22 ये भी अमाउंट ज़्यादा इंक्रीज हुआ है ठीक है ये हो गया एक साइड नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ठीक है ये हो गया हमारा इनकम साइड रिसीट ओके ये साइड हो गया हमारा ओवरऑल एक्सपेंडिचर ठीक है तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर में देखिए कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है देयर इज ए वास्ट इंक्रीज ओके बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है इन ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी थ्री हमारे लिए जो अमाउंट है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है बट ये जानना जरूरी है कि जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर हुआ है वो इंक्रीज हुआ है ठीक है ये हमारे एग्जाम्स में नहीं आने वाला है बट जस्ट फॉर द अंडरस्टेंडिंग द कॉन्टेक्स्ट पूरा कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए हमें ये जानना भी जरूरी है ओके बट कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने क्या बोला था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि हम किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में खर्चा करते हैं जैसे कि बिल्डिंग ठीक है देन मशीनरीज खरीद लिया ये सब कुछ में भी खर्चा किया गया है बट हेयर वी कैन सी कि हमारा जो अमाउंट है वो लास्ट ईयर से कम हो गया है ठीक है लास्ट ईयर से कम हो गया है हम देख सकते हैं बट ओवरऑल इफ वी सी हर जगह पे हमारा इंक्रीज हुआ है बट कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारा सा कम हो गया है ओके नेक्स्ट वी हैव दिस इसका मतलब टॉप फिफ्टीन डिपार्टमेंट्स जहाँ पर बजट uh, डिमांड किया गया है कहां पर सबसे ज़्यादा कौन से डिपार्टमेंट्स में सबसे ज़्यादा बजट प्लेस uh, किया गया है ओके okay? तो so, सबसे पहले जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा बजट डिमांड किया है वो है फाइनेंस ओके नेक्स्ट वी हैव स्कूल एजुकेशन देन वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड ट्रेनिंग ठीक है इन सब पर खर्चा किया गया है इन सब डिपार्टमेंट्स में बजट डिमांड किया है बजट डिमांड का मतलब क्या होता है कि हर एक सेक्टर अपने लिए पैसा मांगते हैं नॉट मांगते हैं एक्चुअली डिमांड फॉर द मनी ठीक है actually, money, ताकि वो लोग डेवलपमेंट के लिए और भी ज़्यादा पैसा खर्च कर सकें तो सबसे ज्यादा कौन से डिपार्टमेंट ने बजट के लिए डिमांड किया वो है हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ये इम्पोर्टेंट है हम ठीक है ओवरऑल हम अगर देखें तो सबसे ज्यादा हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ही बजट डिमांड के लिए ज़्यादा पैसे डिमांड किया है ओके नेक्स्ट वी हैव ये देखिए सेक्टरल एनालिसिस इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने देखे हैं एंड ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए ठीक है सेक्टरल एनालिसिस का मतलब ये होता है कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया गया है ठीक है नॉट लुकिंग इन टू दिस आदर्स ये आदर्स में बहुत सब कुछ इंक्लूडेड है लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है कि सेक्टरल एनालिसिस ऑफ़ एक्सपेंडिचर में कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा खर्चा किया गया है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल एडुकेशन स्पोर्ट्स आर्ट एंड कल्चर इसमें सबसे ज़्यादा खर्चा किया गया है ठीक है या फिर किया जाने वाला है ठीक है इसके लिए बहुत सारे स्कीम्स है बहुत सारे पॉलिसीज़ है फॉर एडुकेशन स्पोर्ट्स आर्ट एंड कल्चर नेक्स्ट वी हैव हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नेक्स्ट वी हैव वाटर सप्लाई सैनिटेशन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट इन सभी चीज़ों में सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर किया जाएगा मतलब खर्चा किया जाने वाला है ओके okay? तो हमें याद बस आप तीन को याद रखिए वो इम्पोर्टेंट है एजुकेशन स्पोर्ट्स आर्ट एंड कल्चर इज इन द फर्स्ट नंबर सेकेंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड इन वाटर सप्लाई सैनिटेशन और फिर हमने देखा था Uh, आवास योजना जो है हाउसिंग फैसिलिटी फॉर ऑल इसमें से इसमें भी खर्चा किया जाने वाला है ओके नेक्स्ट पेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ये है हमारे लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे ओवरऑल कितने सस्टेनेबल गोल्स है कैन यू टेल मी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कितने गोल्स है रैंडम क्वेश्चन uh, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं तो देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ठीक है देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन सभी गोल्स को हमें याद रखना चाहिए इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्जाम ठीक है ओके तो सबसे पहले जिस गोल में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया जाने वाला है डेट इज गुड हेल्थ वेल बींग ये गोल नंबर थ्री हम देख सकते हैं ये पूरा हमारे एक्सपेंडिचर uh, में आने वाला है ठीक है गोल नंबर थ्री जिसमें है हमारा गुड हेल्थ एंड वेलबींग ठीक है आई एम राइटिंग इट हियर गोल थ्री गुड हेल्थ एंड वेलबींग हेल्थ एंड वेल बींग नेक्स्ट वी हैव गोल नाइन गोल नाइन में क्या है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नेक्स्ट वी हैव गोल नंबर वन गोल नंबर वन में क्या आएगा दैट इज नो पोवर्टी नो पोवर्टी से रिलेटेड भी हम बहुत सारे चीजों को देखेंगे मतलब तो हमारे बजट हाईलाइट में इंक्लूडेड है ठीक so है तो गोल नंबर थ्री है गुड हेल्थ एंड वेलबिंग गोल नंबर नाइन इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर देन गोल वन दैट इज नो पोवर्टी तो ये तीन सबसे पहले हम याद रखेंगे देन वी विल कीप दी आदो वंस आप बाकी पिक्चर को जूम करके भी देख सकते हो ठीक है लेकिन हमारे लिए हम सबसे पहले फर्स्ट पी को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे ठीक है? और इससे रिलेटेड क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाला है ओके नेक्स्ट वी है बजट स्पीच जब हमारे बजट को प्रेजेंट किया जाता है तब वहां पर एक स्पीच भी दिया जाता है कि कौन से कौन से नए पॉलिसीज लिया गया है ओके हमारा स्टेट का खुद का जो रेवेन्यू है वो कितना परसेंट से ग्रोथ हुआ है ये सभी कुछ बोला जाता है तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अजंता नियोग ने जब हमारे बजट को प्रेजेंट किया तब वहाँ पर क्या था सेकेंड हाँ क्लास रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ओके और जो भी कोई क्लास रिकॉर्डिंग देखने वाला है अगर आपको वहाँ पर भी कोई भी डाउट राइज़ होता है तब भी आप मुझे आ, मेरे नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो या फिर आप मुझे ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो ठीक है इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द एक्सप्लेनेशन कोई भी टर्म समझ में ना आया हो या फिर कोई भी पॉलिसी और एनी फिगर कुछ भी समझ में ना आए देन यू कैन आस्क मी ठीक है तो so, हमारे आसाम बजट को जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अजंता नेयोग जी ने प्रेजेंट किया दैन वाज़ अ 2.9 पॉइंट नाइन लैख करोड़ दिस इज अ 2.9 पॉइंट नाइन लैख करोड़ का बजट प्रेजेंट किया गया और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि हमारे बजट में इस बार डेफिसिट है डेफिसिट का मतलब मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि डिसिट से ज़्यादा एक्सपेंडिचर होने वाला है इसका मतलब इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर होने वाला है हमारे आ, इस बार के बजट में प्रेजेंट किया गया है वो ठीक है देयर इज डेफिसिट इसका मतलब रिसीट कम है एंड एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिसीट इज लेस देन एक्सपेंडिचर ठीक है लेकिन इस बार हमारे बजट में कोई भी नया टैक्स नहीं इंक्लूडेड नहीं किया गया है ऑन द पीपल ठीक है कोई भी नया टैक्स एडिशनल इम्पोज नहीं किया गया है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई नया टैक्स इंक्लूड हुआ है या नहीं तो इस बार हमारे बजट में कोई भी नया टैक्स इंक्लूडेड नहीं है नेक्स्ट वी हैव कि देयर हैज बिन अ ग्रोथ ऑफ थर्टी पॉइंट सेवन परसेंट अदर इम्पॉर्टेंट टर्म थर्टी पॉइंट सेवन परसेंट इन द स्टेट्स रेवेन्यू स्टेट का जो अपना रेवेन्यू होता है कहाँ से आता है जो कि जीएसटी ठीक है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ओके वो परसेंट से इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू 2021 टू 22 ठीक है थर्टी पॉइंट सेवन परसेंट का ग्रोथ देखने को मिला है ओके नेक्स्ट वी द फ्यू स्टेट्स इन इंडिया विथ हाइस्ट ग्रोथ इन जीएसटी कलेक्शन हमारा जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उस कलेक्शन में इट इज़ द फ्यू स्टेट्स इन इंडिया पर ये ग्रोथ हुआ है इज़ अ हाईएस्ट ग्रोथ इन दिस ठीक है 2.9 लाख करोड़ का बजट है इस बार का ये अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कुछ भी फिगर दिया हुआ होता है एग्जाम uh, में तो आपको फिगर आउट करना है कि कौन सा अमाउंट करेक्ट है ओके okay? बाकी अमाउंट आपको याद हो ना हो बट टोटल कितना का बजट है इस बार का वो इम्पोर्टेंट है एंड कितना डेफिसिट है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ठीक है तो इस बार याद रखिए हमारा जो टोटल रिसीट है वो कम है एज़ कंपेयर टू टोटल एक्सपेंडिचर ठीक है नेक्स्ट वी हैव हम अभी देखने वाले हैं कि हमारे पॉलिसी में कौन कौन से इम्पोर्टेंट स्कीम्स है जो कि इंक्लूड किया गया है और कहाँ कहाँ हमने देखा था अभी कि टोटल सीट एंड टोटल एक्सपेंडिचर तो कहाँ कहाँ पर खर्चा होने वाला है टोटल एक्सपेंडिचर में कहाँ खर्चा होने वाला है कौन से स्कीम्स है कौन से पॉलिसीज है जहाँ पर खर्चा होने वाला है और यहाँ से हमारा एनालिसिस ज़्यादा स्टार्ट होगा ठीक है उसके पहले तो हम कोई भी वीडियोस देखें तो वो हमें Uh, होने वाला है कि ठीक है हम ये देख रहे हैं तो वो हमारे लिए क्लियर है लेकिन एनालिसिस का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम जो भी टर्म्स देखने वाले हैं वो आप इन द डिफरेंट एग्जाम कैसे यूज कर सकते हैं या फिर इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हम देखेंगे ठीक है सबसे पहला जो हमारा पॉलिसी हाईलाइट है वो है मुख्यमंत्री निजुत मोइना इसका मतलब एम्पावरिंग द गर्ल चाइल्ड प्रो एजुकेशन गर्ल चाइल्ड को एम्पावर करना हमने देखा था महिला सवलीकरण ठीक है वो हमारा थीम में इंक्लूडेड था उससे भी रिलेट कीजिए ठीक है जो भी हमारा फ्लैगशिप स्कीम्स है जो भी हमारा थीम्स है फोकस कहाँ पर ज़्यादा किया गया है उसको हम अपने पॉलिसीज के साथ अभी रिलेट करेंगे ठीक है मुख्यमंत्री निजुत मोइना इसका मतलब गर्ल चाइल्ड को एम्पावर करना उनको इंडिपेंडेंट करना प्रो एजुकेशन तो इससे रिलेटेड क्या है देखेंगे अभी हम टेन लाख गर्ल चाइल्ड टू बी सपोर्टेड विथ फिनेंशियल ग्रैंड्स। दस लाख गर्ल चाइल्ड्स को फिनेंशियल ग्रांट्स दिया जाएगा ताकि वो लोग एडमिशन ले सके फॉर देयर हायर एजुकेशन ठीक है इस पे हम ये भी देख सकते हैं कि रिमूवल ऑफ जेंडर इक्वलिटी यस और नो रिमूवल ऑफ जेंडर इक्वालिटी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंस लड़कियों को एजुकेशन नहीं दिया जाता है इन सम ऑफ द्ले अभी तक लड़कियों को एजुकेशन के लिए मना किया जाता है तो उसके लिए उनको फिनेंशियल ग्रांट्स दिया जा रहा है ओके तो टेन लैख गर्ल चाइल्ड को दिया जाएगा ये फिनेंशियल ग्रांट्स वन टाइम इंसेंटिव ऑफ रुपीज टेन थाउजेंड फर्स्ट ऑफ ऑल टेन थाउजेंड का इंसेंटिव दिया जाएगा इन गर्ल चाइल्ड्स को फॉर ज्वाइनिंग क्लास इलेवन ओके दिस इज वन मोर थिंग टू रिमेंबर कि ये वन टाइम इंसेंटिव है ओके okay? एक बार दिया जाएगा तो टेन थाउजेंड रुपीज दिया जाएगा क्लास इलेवन ज्वाइन करने के लिए ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड दिया जाएगा अगर आप फर्स्ट ईयर मतलब ग्रेजुएशन ज्वाइन करते हैं तो ग्रेजुएशन के पहले साल आपको यह अमाउंट दिया जाएगा नेक्स्ट वी हैव 15000 रुपेस दिया जाएगा फॉर गर्ल स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग पोस्ट ग्रेजुएशन ठीक है मास्टर्स करने के लिए मास्टर्स के पहले साल 15000 रुपेस दिया जाएगा ओके okay? सो so, दिस इज मुख्यमंत्री निजुत मयना नेक्स्ट वी हैव मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि महिला सवालीकरण के लिए देवलो, उनके डेवलपमेंट के लिए ठीक है उसके लिए भी एक अभियान है ठीक है इस पर हम देखेंगे अभी क्या आता है टू एम्पावर रूरल वुमेन एंटरप्रेनर्स ठीक है रूरल वुमेन के एंटरप्रेनर्स उनको एम्पावर करने के लिए पर्टिकुलरली दोज हु आर पार्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ठीक है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में पार्ट है ठीक है दे आर ए मेम्बर ऑफ आत्मोहाय जो गुट बोला जाता है तो दिस इज सेल्फ हेल्प ग्रुप ट्रांसफॉर्मिंग डैम इन टू रूरल माइक्रो ऑन्टनर्स रूरल माइक्रो ऑन्ट्रेनर्स का मतलब उनको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ रुपीज़ टेन थाउजेंड दिया जाएगा अभी बहुत ही ज़्यादा ये हम सुन सकते हैं कि टेन थाउजेंड रुपीज दिया जाएगा ठीक है बाई आवर गवर्नमेंट ताकि हमारे जो मेम्बर्स है ऑफ़ द सेल्फ हेल्प ग्रुप वो कुछ अपना नया बिजनेस को स्टार्ट कर सके ठीक है ये अमाउंट को देने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पर चाइल्ड लिमिटेशन है तो पॉपुलेशन कंट्रोल में भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है ओके okay? यहाँ पर चाइल्ड है इसका मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल पर भी ध्यान रखा गया है ऐसे हम एनालिस करेंगे ठीक है हमारे बजट को हम ऐसे एनालिस करने वाले हैं चाइल्ड लिमिटेशन है मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल देन बेनिफिशरीज मस्ट एनरोल गर्ल चाइल्ड इन स्कूल अगर पकड़ लीजिए दिस इज अ अमेन ठीक है उनका एक शी हैज अ टू चाइल्ड उनके पास दो बच्चे हैं ठीक है थीके? दो बच्चों में वन इज बॉय एंड वन इज गर्ल ठीक है हो सकता है कि बॉय पढ़ता है गर्ल नहीं पढ़ता नहीं पढ़ती है तभी आपको ये बेनिफिशियरी नहीं मिलने वाला है यू हैव टू एनरोल द गर्ल चाइल्ड इन स्कूल आपको गर्ल चाइल्ड को स्कूल में देना पड़ेगा ठीक okay? है तभी यह फैसिलिटी आपको मिलने वाला है ऑफ टेन थाउजेंड रुपीज ठीक है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाने वाला है अगेन देयर इज अ रिमूवल ऑफ जेंडर इनिक्वालिटी ओके नेक्स्ट वी हैव एंड मस्ट एंश्योर डेट कि वो लोग अपने उनको एक एक पेड़ उनको एक एक पौधा दिया जाएगा फॉर द प्लांटेशन एंड वो प्लांटेशन वो लोग कब करेंगे इन द ट्री प्लांटेशन ड्राइव अमृत वृक्ष आंदोलन ठीक है और वो पेड़ सर्वाइव करना चाहिए ऐसा नहीं है कि आ, उनको एक फोटो देना होता है ये पौधों के साथ और अगर आपका पौधा मर जाता है देन ऑल्सो यू वॉन्ट गेट दी मनी ठीक है आपको वो अमाउंट नहीं मिलने वाला है तो ये भी इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट ये एनवायरमेंटल परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है ठीक है देखिए हमारे गवर्नमेंट ने एक ऐसा बजट प्रिपेयर किया है जहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट देखने वाले हैं इंडिया का ठीक है इंडिया का ओवरऑल डेवलपमेंट देखने वाले हैं चाइल्ड लिमिटेशन भी हो गया गर्ल चाइल्ड को स्कूल जाना भी ये भी हो गया ठीक है एनवायरमेंट परस्पेक्टिव से भी उन्होंने देख लिया तो ओवरऑल एक ही स्कीम में सब कुछ इंक्लूडेड है ठीक है चाइल्ड लिमिटेशन में देख लीजिए चाइल्ड लिमिटेशन में अगर जनरल या फिर ओ बी सी विमेन हुआ देन थ्री चिल्ड्रंस बी देयर, ठीक है तीन या तीन से कम बच्चे होने चाहिए एस सी या फिर एस टी अगर हुआ तो फोर चिल्ड्रंस ठीक है सो दिस इज द मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान जहाँ पर अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के पार्ट हो देन यू विल बी गिवन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ रुपीज टेन थाउजेंड ओके नेक्स्ट वी हैव इज एक्सपांडिंग एंड मोर इंक्लूसिव क्यों है सबसे पहले को को दिया जाता था, okay? Then, को दिया जाता जाता था, था. इस बार जो नया इंक्लूड हुआ है दैट इज ट्रांसजेंडर ओके ट्रांसजेंडर को भी ये बेनिफिट इस बार दिया जाएगा दिव्यांग

ठीक है या फिर कुछ कंडीशंस जैसे कि सेरेब्रल पैल्सी सेरेब्रल पैल्सी का मतलब अगर ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता है ये होता है फ्रॉम द चाइल्ड फ्रॉम द बर्थ इट्सैल्फ ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है वैसे मेंबर्स को भी दिया जाएगा ठीक है थैलेसमिया थैलेमिया थैलेसमिया का मतलब होता है कि अगर कोई ब्लड डिसऑर्डर है तभी ये दिया जाएगा हेमोफेलिया मोफीलिया का मतलब होता है कि अगर ब्लड ईजीली क्लॉट नहीं होता है कुछ ऐसे पर्सन भी होते हैं तो ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है ठीक है उनको दिया जाएगा देन लेप्रोसी और ऑटिजम स्पेक्ट्रम ऑटिजम स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जो बच्चे अच्छे से सुन नहीं सकते अच्छे से बोल नहीं सकते उनको ऑल दिस मेम्बर्स विल गेट द बेनिफिट अंडर और स्कीम ठीक है यहाँ पर और भी एक नया इंक्लूशन हुआ है गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस कवरेज फॉर दिशरीज भी दिया जाएगा एक इंश्योरेंस कवरेज ये है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ठीक है जीवन ज्योति बीमा योजना और एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ठीक है इनको अरुणोद जो नया स्कीम है उसमें इंक्लूड किया गया है ओके okay? इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ओके okay? नेक्स्ट है जो हमारा सबसे पहले लॉन्च हुआ हुआ था वो अरुणोदी ट्वेंटी पोअर हाउस होल्ड को देने वाले हैं एंड एंडर जब नया स्कीम लॉन्च हुआ था तब था रुपीज पर मंथ उनको दिया जाता था ठीक है अरुणोदय टू पॉइंट ओ में जो दिया जाता है न्यू वन न्यू वन में क्या अमाउंट दिया जाता है उनको दैट इज लॉन्च इन 2022 एंड दैट इज 1250 हंड्रेड फिफ्टी दिस इज द न्यू अमाउंट ये हो गया हमारा अरुणोदय टू पॉइंट टो स्कीम नेक्स्ट है हमारे पास असम माइक्रो फाइनेंस एंड रिलीफ स्कीम कैटेगरी इसका मतलब ये होता है कि जो भी आर आर विद विद डेट डेट इसका मतलब जिन्होंने लोन लिया था और वो चुका नहीं पा रहे हैं और जब उनका अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब ये होता है कि सॉरी गव... बैंक जब भी हमें लोन देते हैं तो उन उस, उसमें से जो भी रिटर्न्स बैंक को मिलने वाला होता है वो होता है एसेट ठीक है और वो जब अमाउंट जिन्होंने लोन लिया है वो जब नहीं दे पाते हैं देन डेट बिकम्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट उनका जो एसेट है वो नॉन परफॉर्मिंग हो गया है ठीक है तो उसको भी हमारे गवर्नमेंट में ये बोला गया है कि ये बर्डन को रिमूव किया जाएगा ओके नेक्स्ट वी मिनिस्टर्स आत्मनिर्भर आसाम अभियान आत्मनिर्भर आसाम हमने देखा था आत्मनिर्भर भारत इस बार हमारे चीफ मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर आसाम भी इंक्लूड किया है इसका मतलब टू एम्पावर अनएम्प्लॉयड यूथ जो भी अनएम्प्लॉयड यूथस है जिनको जॉब नहीं मिल रहा है उनको प्रॉपर असिस्टेंस उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है आज का क्लास थोड़ा सा बड़ा होने वाला है ठीक है क्योंकि हम पूरा बजट को आज ही खत्म करने वाले हैं ओके वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा ये आप आज अच्छे से क्लास कीजिए आपको हर दिन टिल योर एग्जाम्स एंड बियॉन्ड दैट आपको आपका बजट याद रह जाने वाला नेक्स्ट वी हैव वन लैख प्लस जॉब्स जो कि हमारे चीफ uh, मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया था कि वन लैख प्लस जॉब्स तो उस पर भी हमारे सी uh, एम ने यह बोला है कि मोर देन वन लैक प्लस जॉब्स विल बी कवर्ड ठीक है और भी नए जॉब्स uh, वो लोग देने वाले हैं ठीक है दिस इज फॉर द आसाम यूथ यहाँ पर देखिए फाइव परसेंट वेटेज फाइव परसेंट वेटेज विल बी गिवन टू फैमिलीज विदाउट गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर एक फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है तो उनको फाइव परसेंट वेटेज दिया जाएगा फाइव परसेंट ज़्यादा वेटेज नेक्स्ट वी हैव प्रोजेक्ट्स फॉर अमृतकाल प्रोजेक्ट्स फॉर अमृतकाल का मतलब ये होता है कि डेवलपमेंट किया जाएगा हमारे आसाम में कौन से कौन से प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड है ये हमारे इस पिक्चर में है फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव माँ कामाख्या दिव्यलोक परियोजना ठीक है ये हमने देखा था कि माँ कामाख्या जो प्रो, प्रो, प्रोजेक्ट कॉरिडोर था ये वही है नेक्स्ट वी हैव जी रीडेवलपमेंट इसका मतलब गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज का रीडेवलपमेंट होने वाला है यहाँ पर अमाउंट्स भी लिखा हुआ है ठीक है नेक्स्ट वी हैव रिनोवेटिंग नेहरू स्टेडियम इन टू अ वर्ल्ड क्लास स्पोर्टिंग एरेना इसको बोला गया है कि ये एक फीफा के लिए ग्राउंड बन सकता है नेहरू स्टेडियम उसको भी रिनोवेट किया जाएगा ठीक है नेक्स्ट वी हैव मॉडर्नाइजेशन ऑफ ता यूनिवर्सिटी गोहपुर इन सबको डेवलपमेंट किया जाएगा ठीक हैजीरंगा नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम एंड देन हैचुरल हिस्ट्री लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे होने वाला है रेज्यूविनेशन ऑफ दीपोर बिल आप सभी को याद है कि हमने दीप बिल से क्या रिलेटेड थिंग पढ़ा था इट वुड बी हमने और बिल से रिलेटेड क्या पढ़ा था सभी को याद है डीपेस्ट वेटलैंड याद है कि नहीं दीप डीप से रिलेटेड हमने डीपेस्ट पढ़ा था अच्छे से तो उसके लिए भी हंड्रेड करोड़ अमाउंट एलोकेट किया गया है ठीक है तो दिस इज द थिंग दिस इज प्रोजेक्ट्स फॉर अमृतकाल ये सभी डेवलपमेंट किया जाने वाला है नेक्स्ट वी हैव यस वेरी गुड नीलव नेक्स्ट वी हैव क्रिएटिंग ग्रोथ कॉरिडोर्स तो ये प्रोजेक्ट्स कहां पर आने वाला है दिस विल कम अंडर माला स्कीम माला स्कीम के अंडर ग्रोथ कॉरिडोर फॉर द डेवलपमेंट पर्पज ये इंक्लूड होने वाला है ये फंडिंग्स हम कहाँ से लेने वाले हैं फ्रो अ लोन फ्रॉम नाबार्ड नाउ योर होमवर्क आप नाबार्ड का फुल फॉर्म नाबार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ था ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ठीक है अगर आप अभी नहीं जानते हैं देन यू कैन कॉमेंट डाउन इन द एज यूट्यूबर ठीक है आप इसको देख के जब ये वीडियो पोस्ट हो जाएगा तब आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे ठीक है नाबार्ड का फुल फॉर्म कब इस्टेब्लिश हुआ था ये नेक्स्ट वी हैव नाइन्टी रूरल रोड्स डेवलप किया जाएगा एंड फोर रूरल ब्रिजेस भी डेवलप किया जाएगा बाई पी पब्लिक वर्कस डिपार्टमेंट ओके तो ये हो गया हमारा ग्रोथ कॉरिडोर ओके नेक्स्ट वी हैव मुख्यमंत्री आवास योजना मुख्यमंत्री आवास योजना ये ग्रामीण इसका मतलब कि आसाम गवर्नमेंट जो है अंडर चीफ मिनिस्टर्स हाउसिंग स्कीम 1.3 पॉइंट लैख हाउसेस बिल्ड करेंगे तो वहाँ पर पैसे एलोकेट किए जाएंगे टू द बेनिफिशरीज और उनको घर बनाने के लिए बोला जाएगा 10 परसेंट ऑफ दिस हाउसेस किन के लिए होंगे फ्रॉम द टी गार्डन कम्युनिटीज उनके लिए 10% परसेंट uh, of these houses will be given to them. Okay. Next, ten percent of these houses, इनको दिया जाएगा? Poorest of the poor, जिनके पास जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, उनको ten percent of these houses दिया जाएगा. And then housing for safai karmacharis, police personals, उनके लिए भी होगा. ठीक है? Safai karmacharis जो है, police personals जो है, उन सब के लिए हर प्रेजेंट किया जाएगा उनके लिए एलोकेट किया जाएगा नेक्स्ट वी हैव हमने बहुत सारे चीजें हमने हमारे एमसीक्यू में भी किया है कवर किया है उसको आप यहाँ पर अभी कर सकते हैं फ्लड फ्रीम इसका मतलब भी है, हमने देखा था ये इंटीग्रेटिंग वेटलैंड्स विथ ब्रह्मपुत्र फॉर फ्लड वाटर डाइवर्शन हमने देखा था कि वेटलैंड्स को अगर हम ब्रह्मपुत्र के साथ इंटीग्रेट कर दे हम जानते हैं कि हमारे वेटलैंड्स फ्लड को बहुत ज़्यादा प्रिवेंट कर सकते हैं काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं तो इसके लिए इंटीग्रेशन किया जाएगा फॉर ब्लड वाटर डाइवर्शन ब्रह्मपुत्र से जो भी रिवर जो भी वाटर आने वाला है वो डाइवर्ट करके वेटलैंड्स में भेज दिया जाएगा ठीक है उससे क्या होगा हमारे आसाम में फ्लड वाटर फ्लड थोड़ा सा कम हो जाएगा एंड देन अकॉर्डिंग टू स्टडी ये देखा गया है कि अप टू ट्वेंटी परसेंट टू एट्टी परसेंट फ्लड रिड्यूस हो जाएगा आफ्टर फ्लड वाटर डायवर्शन ठीक है ये भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है इसको स्टडी किसने किया है नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है उन्होंने ये स्टडी किया है कि ट्वेंटी टू एट्टी परसेंट फ्लड्स रिड्यूस हो जाने वाला है आफ्टर फ्लड वाटर डाइवर्शन किसने स्टडी किया है एन ई एस ए सी वट इज इज नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ठीक है नेक्स्ट वी हैव ग्रीन ग्रोथ फॉर ग्रीनर आसाम उसके लिए क्या किया जाएगा देखिए थ्री करोड़ सेप्लिंग्स प्लांटेशन टू बी डन अंडर अमृत वृक्ष आंदोलन ये हमने अभी कहाँ पर देखा था कि जब महिलाओं को टेन थाउजेंड रुपीज दिया जाएगा और रूरल माइक्रो एंटरप्रनरशिप ठीक है तब उनको प्लांट्स लगाने के लिए बोला जाएगा तो तभी करोड़ विल बी तो इससे सोलर एनर्जी को यूज करना ओके नेक्स्ट वी हैव इंट्रोडक्शन ऑफ सी एन जी बसेस कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैसेस का बसेस होना चाहिए ठीक है उससे पल्यूशन कम होने वाला है एंड इलेक्ट्रिक बसेस इन गुवाहाटी टू परसेंट रिडक्शन टैक्स में व्हीकल्स टैक्स में उनको दिया जाएगा अगर वो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो ठीक है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो टू परसेंट रिडक्शन दिया जाएगा उनके मोटर व्हीकल्स टैक्स में नेक्स्ट वी हैव सोलर इन ऑल प्राइवेट एंड पब्लिक बिल्डिंग्स क्योंकि हम अभी हमने देखा कि यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी है मैंडेटरी है जो भी नया बिल्डिंग अभी बिल्ड होने वाला है वहां पर रूफ टॉप सोलर होना ही चाहिए ओके तो वन वेलफेयर ऑफ टी ट्राइब कम्युनिटी टी ट्राइब कम्युनिटीज के लिए असम गवर्नमेंट उनके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है जो कि ड्यू है टी ट्राइब्स का तो पे करने वाले हैं मतलब इसको माफ कर देने वाले हैं ओके एंड अंडर द मिशन वसुंधरा थ्री पॉइंट ओ इनिशिएटिव डोमिसाइल रिक्वायरमेंट विल बी रिलैक्सड देखिए ई ट्राइब्स में ऐसे बहुत भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है ठीक है हेलो मैं ऑडिबल प्रॉपरली तो टी ट्राइबल कम्युनिटीज़ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो लोग ऐसे में अपने लिए लैंड खरीद नहीं सकते हैं तो इस वजह से उनके लिए एक रिलैक्सेशन होगा कि डोमिसाइल जो भी सर्टिफिकेट्स है के? वो ज़रूरी नहीं है दिस इज़ अंडर वसुंधरा थ्री पॉइंट ओ इनिशिएटिव ठीक बाद हमारे पास है क्वेस्ट फॉर कल्चरल आइडेंटिटी क्वेस्ट फॉर कल्चरल आइडेंटिटी में ये होगा कि कहाँ कहाँ डेवलपमेंट किया जाएगा फॉर कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज बेल्ट एंड आइकॉनिक लोकेशंस ठीक है जो भी कल्चरल सिग्निफिकेंस का जगह है वहाँ पर डेवलपमेंट किया जाएगा जैसे कि बोरपेटा हो गया माजुली पट्टद्रवा नारायणपुर इन सभी जगहों पर डेवलपमेंट किया जाएगा देन वी हैव भावना कमिटीज को वन टाइम ग्रांट दिया जाएगा रुपीज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ईच बहुत इम्पोर्टेंट है ये भावना कमिटीज को दिया जाएगा नेक्स्ट फिनेशियल असिस्टेंस टू असामिस सिनेमा हमने अमाउंट यहाँ पर नहीं लिखा है बिकॉज अमाउंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ही वो है कि कौन से सेक्टर को पैसे दिए जा रहे हैं द डेवलपमेंट पर्पजस नेक्स्ट है एक रिकॉर्ड लेवल इवेंट होगा नए दिल्ली में न्यू दिल्ली में ऑलरेडी देखा है म्यूजियम स्टेब्लिश किया जाएगा क्या? कनकलता बड़ुआ कौन थी हमें याद है ठीक है शी वॉज दंगेस्ट ऑफ ऑल जिनको ब्रिटिशर्स ने मार दिया था शी जस्ट फोर्टीन वेन शी वॉज शॉप डेट बाई प्रिजर्विंग एंड डेवलपिंग जो भी इम्पोर्टेंट सत्र है ठीक है उन सबको प्रिजर्व किया जाएगा एंड उनको डेवलप किया जाएगा ठीक okay? है तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट uh, फिगर्स है वो है हैफा तो सम्मान क्षेत्र कहाँ पर है अनकलता बड़ुआ कौन थी ठीक है कहाँ पर ये म्यूजियम इस्टेब्लिश होने वाला है कौन से कौन से इम्पोर्टेंट सत्रस को डेवलप किया जाएगा या फिर वो सत्र कहाँ पर है ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हमारे बजट से ही क्वेश्चन आने वाला है लेकिन जो टर्म्स हमारे बजट में मैंशन है उससे क्वेश्चन आने वाला ठीक है तो इसको हमें अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए नेक्स्ट वी हैव पुण्य तीर्थ योजना मतलब अयोध्या पिलग्रीमेज हमारे आसाम गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डिवोटीज को राम मंदिर लेके जाएंगे ये, राम मंदिर जो कि अयोध्या में स्टैब्लिश है इस बार उसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ वहाँ पर लिया जाएगा उनको दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है ये भी हमने हम, हमारे एम में ऑलरेडी कवर किया था ओके नेक्स्ट वी हैव फ्यूचर फॉर चिल्ड्रेन चिल्ड्रन के लिए क्या करने वाले है हंड्रेड मॉडल स्कूल स्टैब्लिश किया जाएगा कृष्णा कांता हंडिक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी जो कि के के एच एसओय जो की डिस्टेंस लर्निंग uh, के लिए बहुत फेमस है उसके लिए उसके डेवलपमेंट के लिए भी ग्रांट दिया जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइव थाउजेंड मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर एंड टू रिबिल्ड डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी टू स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी उसके आर्ट एंड कल्चर कुछ भी डेवलपमेंट के लिए जरूरी हो वो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में किया जाएगा ये है फ्यूचर फॉर चिल्ड्रेन नेक्स्ट वी हैव खेल महारन एंड यूथ क्लब्स तो खेल महारन से रिलेटेड क्या कौन से कौन से डेवलपमेंट करने वाले हैं ए न्यू हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स सेंटर कोकराझार में ओपन किया जाएगा अपग्रेडेशन ऑफ खनिकौर स्टेडियम जो कि डिब्रूगढ़ में है उसको अपग्रेड किया जाएगा डेवलप किया जाएगा सपोर्टिंग वन यूथ क्लब हर एक असेंबली जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक यूथ क्लब को सपोर्ट किया जाएगा दिस इज मिनिमम वन मैक्सिमम हो सकता है और भी ज़्यादा कर दे एंड देन कंस्ट्रक्शन ऑफ चंद्रपुर स्टेडियम ठीक है खेल महारन और यूथ क्लब से रिलेटेड इन सभी चीजों पर फोकस किया जाने वाला है नेक्स्ट भी है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इन नवंबर 2024। ये नवंबर में होने वाला है 2024 में तब हम लोग इसको अच्छे से स्टडी करेंगे बट फॉर नाउ इसको अलाइन किया गया है हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है दैट इज विकसित भारत विकसित भारत मतलब बहुत ही डेवलप करना हमारे भारत को बाई 2047 पूरा डेवलपमेंट हो जाना तो ये होने वाला है और उसके अलाइं में आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया कैंपेन होने वाला है ताकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स यहाँ पर आए इन्वेस्ट करे आसाम के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करे ताकि उससे बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो सके एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके ठीक है तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है अभी हमारे बजट में सिर्फ ये मेंशन किया हुआ है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स सबमिट होने वाला है इंटरनेशनल ग्रुप्स भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए आने वाले हैं ओके okay? नेक्स्ट वी हैव मुख्यमंत्री संग्रहालय संग्रहालय का मतलब ये होता है कि हमारी जो डेमोक्रेटिक हिस्ट्री है हमारा okay? जो डेमोक्रेटिक हिस्ट्री है उसको सेलिब्रेट करना okay? तो मुख्यमंत्री संग्रहालय एस्टेब्लिश किया जाएगा फॉर द ऑफ द डेमोक्रेटिक हिस्ट्री ऑफ असम यहाँ पर क्या किया जाएगा देखिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूजियम गुवाहाटी में एंड देन ए लिविंग टेस्टमेंट टू द लीडरशिप हमारे जो भी लीडर्स थे एंड हमारे जो भी फॉर्मर आसाम के CM थे ठीक है उनको भी प्रेजेंट किया जाएगा ऑन द आसाम म्यूजियम uh, सॉरी ऑन दिस uh, मुख्यमंत्री संग्रहालय ठीक है ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे फॉर्मर सी एम्स भी इंक्लूडेड uh, होंगे एज अ लिविंग टेस्टमेंट ओके नाउ वी हैव अभी तक हमने जो पॉलिसी हाईलाइट किया है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम्स है वहाँ पर सब कुछ इंक्लूडेड है हमने सब कुछ को एक साथ कवर किया है एंड इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हैं हमने वो भी देखा है तो उन सबको अच्छे से रिविजन कीजिए अभी जो हम देखने वाले हैं वो है फॉर फिनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी फाइव फर्स्ट ऑफ ऑल 10 परसेंट रिजर्वेशन दिया जाएगा इन असम पुलिस फॉर अग्निवीर अग्निवीर का मतलब ये होता है जो भी आर्मी में जाते हैं जो यूथ उनको सिर्फ चार साल ड्यूटी करने का मौका मिलता है फॉर फोर इयर्स। तो फोर इयर्स में फिर से अगर वो लोग लो नेवी में जाना चाहते हैं तो वो लोग जा सकते हैं बट अगर वो लोग नहीं जाना चाहते हैं देन दे विल हैव टेन परसेंट रिजर्वेशन इन आसाम पुलिस ठीक है Police, हमने देखा था कि आत्मनिर्भर आस, आसाम सेल्फ सफिशियंसी इन एग मिल्क एंड फिश प्रोडक्शन कैसे किया जाएगा लेयर फार्मिंग ये भी टर्म हमारे बजट में इंक्लूडेड है इसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा इस टर्म इस टर्म के बारे में ये होगा कि एग प्रोडक्शन में ये हेल्प करेगा ठीक है लेयर फार्मिंग इज रिलेटेड टू मोर एग प्रोडक्शन एंड देन प्रमोशन ऑफ स्मॉल टी ग्रोवर्स हमारे जो टी ग्रोवर्स हैं उनके प्रमोशन उनके डेवलपमेंट के लिए भी कुछ अनाउंसमेंट्स है स्टार्टअप मिशन ठीक है स्टार्टअप मिशन का मतलब जो भी कुछ नया स्टार्ट होने वाला है यूथ जो कि स्टार्ट करने वाले हैं उनको हमारे बैंक सबसे पहले पैसे नहीं देते हैं uh, कुछ रिस्क होता है जो भी बिजनेस वो लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि वो प्रॉफिट में जाएगा या फिर लॉस में जाएगा तो तब हमारे जो बैंक्स है वो लोग इन स्टार्टअप्स पर uh, पैसे नहीं देते हैं तो अवर गवर्नमेंट विल बी वन जो कि सपोर्ट करने वाले हैं थ्रो द वेंचर फंड एंड देन दो नए स्टार्टअप इंक्यूबेशंस होने वाले हैं। कहाँ पर एक असम इंजीनियरिंग कॉलेज गुवाहाटी एंड जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज जोरहाट में एक स्टार्टअप इंक्यूबेशन जहाँ पर ऑल द इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज रिसोर्सेस गाइड्स ट्रेनिंग जो भी जरूरत होती है इन दोनों जगहों पर इस्टेब्लिश किया जाएगा

इसको लॉन्च तो ओवरऑल uh, इंडिया में किया गया है बट इस बार हमारे बजट में ये इंक्लूडेड है मतलब असम में भी ये लॉन्च होने वाला ओके पी एम विश्वकर्मा योजना इससे रिलेटेड हमने बहुत सारी इम्पोर्टेंट एम में भी देखी है तो uh, उन क्लासेस को अच्छे से देखिएगा ठीक है तो फिर भी फॉर स्मॉल रिव्यू फाइव हंड्रेड पर डे लोगों को दिया जाएगा

एंड देन कॉमन सर्विस सेंटर भी एस्टेब्लिश किया जाएगा तो पावर टिलर्स ट्रैक्टर्स अगर खराब हो जाए तो उनको उनके लिए सर्विस सेंटर्स भी एस्टेब्लिश किया जाने वाला है एंड कस्टम हायरिंग सेंटर्स कुछ लोग कुछ फार्मर्स ऐसे भी होंगे जो खरीदना नहीं चाहते हो ठीक है वो लोग कस्टम हायरिंग सेंटर्स से ले सकते हैं ओके okay? तो पावर टिलर्स ट्रैक्टर्स ले सकते हैं नेक्स्ट वी हैव टॉप सोलराइजेशन इसे हमने देखा है ऑलरेडी रूफटॉप टॉप सोलराइजेशन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी ओके नेक्स्ट वी हैव क्लाइमेट एक्शन क्लाइमेट एक्शन का मतलब होगा कि 10 मॉडल क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेजेस बनाया जाए okay. जहाँ पर कोई भी आपका जैसे कि फ्लड हो गया हो या फिर कोई भी क्लाइमेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो वो तो रेजिलिएंट होगा ये विलेजेस ये ये प्रॉब्लम्स नहीं होने वाला है इन विलेजेस पे तो so, ऐसे दस मॉडल विलेजेस डेवलप किया जाएगा प्रोदा चीफ मिनिस्टर्स क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेज फेलोशिप प्रोग्राम नेक्स्ट वी हैव असम गवर्नमेंट हैव साइंड एन एमओयू एमओयू का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ द टेरी जो एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है उनसे उन्होंने एक एमओयू साइन किया है विच विल हेल्प इन मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड कैपासी ठीक है रिसोर्स को मोबिलाइज करना लोगों में ट्रेनिंग देना स्किल देना ताकि वो लोग इसको इससे कैसे आ, काम कर सके तो ऐसे आ, वो लोग कैपेसिटी भी बिल्ड करने वाले हैं। नेक्स्ट है, है अमृत गुवाहाटी इंटीग्रेटेड ग्लोबल सिटी डेवलपमेंट करना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स uh, है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस पर डेवलप किया जाएगा नेक्स्ट वी हैव आयुष्मान असम इसका मतलब देखिए हमने देखा था कि आयुष्मान भारत ओके आयुष्मान भारत इस बार आयुष्मान असम भी होने आने वाला है इसका मतलब आयुष्मान भारत में हमने देखा था कि पाँच लाख रुपए पर फैमिली दिया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट परपज तो आयुष्मान इसमें भी फाइव लाख रुपीस दिया जाएगा पर फैमिली पर ईयर ताकि वो लोग अपना ट्रीटमेंट कर सके मुख्यमंत्री आयुष्मान असम योजना विथ ठीक है इन अलाइंस विथ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में हमने पहले भी देखा था ठीक है जो नया स्कीम अभी आया है वो है मुख्यमंत्री आयुष्मान आसाम योजना ओके नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल हेल्थ प्रोग्राम ठीक है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम को डेवलप करना बच्चों में अंडर चीफ मिनिस्टर्स आयुष्मान अखम नेक्स्ट वी हैव विलेज एंड कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम विलेज एंड कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम किसके लिए है एम बी बी एस स्टूडेंट्स ठीक है ताकि एम बी बी एस स्टूडेंट्स में एक स्किल uh, हो ताकि वो लोग विलेज और कम्युनिटी में कुछ प्रोग्राम्स आउटरीच कर सके ठीक है उनको हेल्प कर सके ताकि वो लोग समझ सके तो वो भी इंक्लूडेड है अंडर चीफ मिनिस्टर्स आयुष्मान चैम्पियनिंग एंड सॉरी चैम्पियनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको और भी ज्यादा ट्रांसफॉर्म uh, करना डिजिटली उसमें अच्छे से लोगों को समझाना कि कैसे होता है कैसे सिस्टम को समझ सकते हैं ये भी इंक्लूडेड है नेक्स्ट भी है ज्ञान धारा प्रोजेक्ट ज्ञान धारा प्रोजेक्ट मतलब जो भी वर्चुअल रियलिटी है ठीक है उन वर्चुअल रियलिटी को एक्सपीरियंशियल लर्निंग uh, में इंटीग्रेट करना ठीक है वर्चुअल रियलिटी हम लोग फोन में जो भी देखते हैं उन सबको एक्सपीरियंस करवाना उससे uh, सिखाना ये भी हमारे ज्ञान धारा प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड है नेक्स्ट हमने ये ऑलरेडी देखा था कि हमारा जो आसाम भवन है न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश uh, होने वाला है फर्स्ट कहाँ पर था सेकंड कहाँ पर था ये भी हमने स्टडी किया है तो डेट इज योर होमवर्क ये सभी आप सबको अच्छे से स्टडी करना है फिर से रिलेटेड थिंग्स को आप फिर से अच्छे से स्टडी कीजिए नेक्स्ट एम्प्लॉइज है गवर्नमेंट तो उनके लिए है अपून घर एंड अपन वाहन का तो मतलब है अगर घर बनाना चाहते हैं देन देखिए कोई भी बैंक से अगर वो लोग लोन लेते हैं तो अगर ये होता है कि उनको फाइव परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे देने वाले हैं तो गवर्नमेंट में उनको टू परसेंट या टू पॉइंट फाइव परसेंट में मिलने वाला है ताकि वो लोग अपना व्हीकल कर सके अपना घर कर सके, okay? ये भी है हमारे अनाउंसमेंट्स में नेक्स्ट वी हैव सपोर्टिंग द एम्प्लॉय ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज इंक्रीज द एक्सग्रेशिया अमाउंट एक्सग्रेशिया अमाउंट इंक्रीज करना का मतलब अगर अनयूजअली किसी भी एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है ग्रेशिया अमाउंट को इनक्रीज़ करना ताकि वो लोग जो भी फैसिलिटीज़ है जैसे सर्व शिक्षा अभियान हो या फिर उनको कोई भी फैसिलिटीज़ चाहिए हो ये उनको मिल सकता है ताकि उनके बच्चों को अच्छे से अच्छे फैसिलिटीज़ अच्छी एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटीज़ ये मिल सके तो ग्रेशिया अमाउंट को भी इंक्रीज़ करने को ये भी एक मेजर अनाउंसमेंट है ठीक है नेक्स्ट वी हैव जीविका साखी एक्सप्रेस जीविका साखी एक्सप्रेस का मतलब ये है कि ऑल्दो विमेन नॉट विमेन एक्चुअली गर्ल्स स्टूडेंट्स को स्कूटीज दिया गया है एंड मोर विल बी गिवन इन द कमिंग फ्यूचर ताकि वो लोग एम्पावर्ड हो सके इंडिपेंडेंट हो सके ठीक है so, तो जीविका साखी एक्सप्रेस में स्कूटीज जो गर्ल uh, स्टूडेंट्स को दिया गया है ये इंक्लूडेड है यहाँ पर एंड देन वी है मंथली रेम्यूनिशन टू ऑनरेरी गांव प्रधान्स इन द फॉरेस्ट एरियास, फॉरेस्ट एरियाज में जो भी uh, गांव प्रधान है ठीक है मेनली कौन से एरियाज में इन द फॉरेस्ट एरियाज नियर द फॉरेस्ट एरियाज उनको मंथली रेम्यूनरेशन दिया जाएगा क्योंकि वो लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन करते हैं ठीक है तो दिस इज ऑल वी हैव स्टडीड इन आवर बजट आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कोई भी डाउट है लेट मी ऑल नो द कॉमेंट सेक्शन ओके थैंक यू फॉर टुडे थैंक यू फॉर लिसनिंग देन सो मच बाय